हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? तो आज है करवा चौथ और आज सुबह से ही सारी तैयारियां चल रही हैं। अभी देखिए 2:30 बज रहे थे और खाने की सारी तैयारियां हो रही हैं, रात के खाने की। भाभी सारी तैयारियां कर रही हैं और अंदर बुआ भतीजे दोनों की बातें चल रही हैं। और जो है अद्दू अपनी बुआ को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बेबी को बहुत परेशान करते हैं। देखिए यहाँ पे भाभी ने सारी तैयारी करके रख ली है, गड़वे वगैरह रंग के रख लिए और अब जो है कैलेंडर के पास जो बनता है चावल के आटे से, उसको बना रही हैं। मेरे पापा भी आए हुए थे उसी दिन करवा चौथ का सामान देने और हर साल आता है मायके से। मिके शिवी तैयार होके आ चुके, शाम के बज चुके हैं 6:30। भाभी भी तैयार हो चुकी, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और भाभी बैठ गई पूजा पे। और पूजा की विधि मोस्टली सेम ही होती है, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ कुछ डिफरेंट भी होती है। जैसे कि हमारे जो है इस पे आप देख रहे हैं, हम लोगों के जो करवे रखे हुए हैं, शिवी के करवे पे दीपक जल रहा है, हम लोगों के करवे पे नहीं जल रहा है। तो थोड़ी बहुत विधियाँ सबके घर पे अलग अलग होती हैं, बदली हुई होती हैं। ये शिवी की बिटिया भी रो रही थी और इसीलिए बीच में थोड़ी सी 2 मिनट की पूजा शिवी को रोकनी पड़ी। और उसके बाद में पहले भाभी ने करी, फिर मैंने करी, उसके बाद शिवी ने पूजा करी सारी। और वहाँ पे पूजा करने के बाद में फिर जो ये दूसरा कलश रखा हुआ है, यहाँ पर भी पूजा करेंगे। शिवी की तीसरी करवा चौथ है इसीलिए वो यहाँ पे कर रही है, बाकी पहले दो साल उसने ससुराल में ही करी। अभी मेरा जो है गला थोड़ा सा खराब है, इसीलिए वॉइस क्लियर नहीं होगी और मुझे मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ अच्छे से। और यहाँ पे सारी पूजा लगभग हो चुकी है और हम लोग ऊपर जाने वाले हैं चांद का जो है चांद को देखने। ऊपर मेरे हस्बैंड और इनके शिवी के हस्बैंड दोनों लोग छत पे पहुँच चुके हैं, चांद का वेट कर रहे हैं। और हम लोगों की पूजा भी लगभग ख़त्म ही होने वाली है, कथा होने के बाद हम लोग जाएंगे, कथा भी शुरू ही होने वाली है। तो यहाँ पर जो भी उसमें सामान रखा हुआ होता है करवे में, पूड़ी वगैरह, पेड़ा, चूरा जो भी, वो उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के हर जगह चढ़ाया जाता है। और कंप्लीट हो चुकी है कथा और अब आरती हो रही है। आरती के बाद हम सब लोग जाएंगे ऊपर चांद की पूजा करने। और वहाँ पे शूट नहीं हो पाया है, वहाँ पे शॉर्ट्स सब लोग शूट कर रहे थे और ये ब्लॉग में नहीं शूट हो पाया है, इसलिए अच्छे से नहीं दिखेगा कि हम लोग कैसे पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहाँ पे ऊपर नहीं दिख पाएगा। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा आपको दिखा दिया है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हाँ यहाँ पर हम सब लोग छत पे आ चुके हैं और चांद का वेट कर रहे हैं। और अद्दू भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उन्हें भी लग रहा था कि पूजा हो रही है, कुछ स्पेशल है आज। सब लोग चांद का वेट कर रहे हैं, इस साइड में चांद निकलेगा। और अभी देखिए चांद निकल आया है, एकदम क्लियर दिख रहा है। उसके बाद हम सब लोगों ने चांद की पूजा की। जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लॉग शूट नहीं हो पाया था छत पे, सब लोग शॉर्ट्स ही बना रहे थे इसीलिए कुछ किसी के चेहरे नहीं दिख रहे। अब हम लोग वापस आ चुके हैं, वहाँ से आने के बाद में नीचे सुहाग लिया जाता है गौरी मैया से और कैलेंडर में जो मैया बनी होती उनसे। उसके बाद में करवा बदला जाता है, ननद भाभी बदलती हैं और देवरानी जेठानी बदलती हैं और वही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद में फिर एक बार सुहाग लिया जाएगा और तब जाके हमारी पूजा कंप्लीट होगी। और उसके बाद हस्बैंड को टीका वगैरह करते हैं। अभी देखिए लगभग पूजा कंप्लीट हो चुकी है और करवा भी बदले जा चुके हैं। अब बस एक जगह और बचा है सुहाग लेने के लिए, वहाँ से सुहाग लेके और उसके बाद में हमारी पूजा कंप्लीट।
और फिर यहाँ पे टीका वगैरह होता है। यहाँ पे भी ब्लॉग शूट नहीं हो पाया था, सारे शॉर्ट्स ही शूट हो रहे थे, तो इसीलिए किसी का फेस दिख रहा है, किसी का नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भैया ने चॉकलेट खिलाई थी भाभी को, और यहाँ मैं टीका कर रही हूँ अपने हस्बैंड को। मुझे भी चॉकलेट मिली है गिफ्ट में, और ये गजरा भी लेके आए थे। उसके बाद हम लोग गए हैं मौसी के घर पे, मौसा मौसी जी का आशीर्वाद लेने। और मौसी का घर एक गली छोड़कर है, वहाँ गए हम लोग मौसा जी मौसी जी का आशीर्वाद लेने। हम लोग हमेशा ही वहाँ जाते हैं, और उसके बाद वहाँ से वापस आके खाना वीना खाया। थैंक यू।